नियमित बंधु 8 घंटे के अलावा अगर फोन कीजिएगा या तो किसी का मोबाइल स्विच ऑफ आएगा या आउट ऑफ रिचेबल हो जाएगा। यह कितने दुर्भाग्य है, यह कितने दुर्भाग्य है, इसको सोचने की जरूरत है। यह आवाज हम लोग का दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए ताकि भारत सरकार भी सोचे कि नहीं, इन्हीं कर्मियों के चलते, इन्हीं लोगों के चलते हम लोग जो काम अपनी सफलता सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि या तो हम लोगों को नियमित किया जाए, यदि नियमित नहीं किया जाता है तो हम लोगों के 3-4 प्रमुख मांग है, जिसमें पहला मांग ये है कि जो समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी इस पर आदेश पारित किया है, उसको लागू करें। दूसरा है कि जो संविदा कर्मी है उनका जो वेतन है उसमें सिर्फ एक मुश्त राशि दे दी जाए, जो कि न केवल सरकार के लिए भी ये है कि उससे वैधानिक कई जो संविधान है उसका भी उल्लंघन हो रहा है, जो कि अगर उसका जो भी वेतन देना है तो जिस तरह संविदा है ठीक है, लेकिन वेतन के लिए जो स्लैब बना है, जो राष्ट्रीय स्तर पर संविधान है उस पर या राज्य के स्तर पर संविधान है, न्यूनतम वेजेस का प्रावधान है, यदि किसी की मृत्यु हो जाती है कार्य के दौरान तो उसके लिए जो कंपनसेशन की राशि है वो है, और हमारी संविदा अवधि 11 महीने की है, वो तुरंत बीत जाती है, मैंने आधा कार्यालय दिन पूरे साल व्यस्त रहता है लोगों के संविदा को रिन्यू करने में, तो उसका भी जो लिमिट है 11 महीने का उसको 65 साल तक किया जाए, या NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो राशि आती है तब तक किया जाए। इस तरह से कई